हाई माई बेबीज हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड वेरी हैप्पी एट योर होम सो बेबीज़ रिमेम्बर हमने बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट सीखा था याद है न बस यहाँ पर भी हमको आज कुछ ऐसा ही करना है आप जानते हैं कि बिग दैट मीन्स बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा दोनों उल्टे पुलटे होते हैं नस आज हम उल्टा पुल्टा ही सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड अपोजिट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अपोजिट्स सो लेट्स चेक हियर इज अ छोटा सा क्यूट सा घर ऑफ अ डॉग राइट हियर इज इज अ डॉग हाउस और डॉग हाउस में डॉग है है ना सो so, इसका अपोजिट क्या होगा कि डॉग हाउस में डॉग नहीं होगा राइट right? तो चेक करते हैं डॉग हाउस कहाँ है ये है और डॉग अपने हाउस में नहीं है सो हम इन दोनों को मैच कर देंगे नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सी उन्होंने एक बिग वाले सूटकेस को छोटे से ब्रीफ केस से मैच करके रखा है राइट right? तो ये तो हमारा हो गया ऑलरेडी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है आई थिंक या तो ये कॉफी है या फिर चाय है और ये क्या होती है हमेशा हॉट होती है आई नो कॉफी कोल्ड हो सकती है बट चाय तो हॉट होती है ना तो हॉट चाय जिसके ऊपर यहाँ ऐसे वेपर दिख रही है अब यहाँ उसका अपोजिट क्या होगा हॉट का अपोजिट कोल्ड तो देखते हैं कोल्ड कहाँ है कोल्ड कहाँ है कोल्ड कहाँ है हो हियर इट इज हियर इज अ कोल्ड ड्रिंक सो वी आर गोइंग टू मैच हॉट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक नाउ द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज अ बेबी गर्ल का फेस है जो कि स्माइली हैप्पी है राइट अब जो हैप्पी नहीं होता है वो उसका अपोजिट क्या होता है सैड होता है सो वी नीड टू चेक वेयर इज द सैड फेस हेयर टेज ओके सो वी आर गोइंग टू मैच इट विद दिस एंड द लास्ट वन इज लास्ट में एक बुक है एंड द बुक इज वेरी थिक थिक मीन्स मोटी थिक है ना ये थिक बुक है अब देखते हैं कि कौन सी बुक है जो थिन हो दैट मीन्स पतली चेक करते हैं चेक करते हैं चेक करते हैं चेक करते हैं ओ ये है एंड वी गॉट इट सो हियर इज द एक्टिविटी शीट फिफ्टी वन इज डन What we have learned? We have learned the opposites. Okay, keep learning, my babies. Bye bye.